हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल टैरों एंड यू दिस इज मनीषा फ्रेंड्स आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपकी आपके पार्टनर के लिए जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये टॉपिक रहने वाला है आप सबका फेवरेट टॉपिक है और इसमें मैं देखती हूँ करंट एनर्जी क्या आता है आपकी भी एनर्जी देखी जाएगी आपके पर्सन की भी एनर्जी देखी जाएगी और जो भी गाइडेंस इस बार आपके लिए निकल के आएंगी मैं वो आपको बताऊँगी इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करूँ मेरी कैंडल वर्कशॉप हो रही है कैंडल वर्कशॉप स्पेल है जिसमें मैं आपको स्पेल करना सिखाऊंगी अभी इसमें कैंडल वैक्स थेरेपी है ये लेकिन वो जो आप सब कह रहे हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग इसमें अभी नहीं सिखाऊंगी ये कोर्स में नहीं है इसमें मैं आपको स्पेल सिखाने वाली हूँ मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए वो भी कोर्स अनाउंस करूँगी यूट्यूब पर ही आप सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को क्योंकि मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे कोर्सेज़ लेके आती रहती हूँ आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है अफोर्डेबल प्राइजेस पे मेरी वर्कशॉप होती है अभी जो मैं कैंडल वर्कशॉप लेके आ रही हूँ इसकी डेट है ट्वेंटी ऑफ मार्च आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ओपन है अभी आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें देखिए आपको कॉल नहीं करना है बहुत से लोग Uh, मैं बोलती हूँ कॉल ना करें फिर भी कॉल करते हैं तो मैं माफ़ी चाहती हूँ उन लोगों के लिए कि उनकी कॉल अटेंड नहीं की जाती है उनकी हम कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतनी कॉल्स हैंडल करना एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता है इस वजह से ही बोला जाता है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें सारी डिटेल आपको व्हाट्सअप पे दे दी जाएगी किस तरह से क्या क्या करना है और uh, मेरा WhatsApp नंबर है ट्रिपल नाइन डबल ज़ीरो फोर सेवन एट ज़ीरो सेवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आप WhatsApp करें सारी डिटेल आपको आगे की मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा भी है कि इस वर्कशॉप में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और इसकी फीस ट्वेंटी थ्री हंड्रेड होगी इस बार अगली बार हो सकता है कुछ भी फीस हो इस बार के लिए ये फीस इतनी है और आफ्टर वर्कशॉप अगर आप आते हैं तो इसकी फ़ीस ज़्यादा होगी अभी डिस्काउंट पे ही है और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ़ अभी के लिए है तो चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप सबके लिए आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं फ्री ऑफ स्पॉट्स इस वक्त तो थोड़े से मुझे परेशान दिख रहे हैं आपके पर्सन उनकी लाइफ में शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हूँ किसी तीसरे पर्सन की वजह से मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही हैं ये फैमिली में भी हो सकता है या फ्रेंड्स हैं जिनकी वो सुनते हैं ऐसी नजर यहाँ पे दिख रही है three of swords, four of wands मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूं फ्री ऑफ व्हील्स थर्ड पार्टी ज्यादा है यहाँ पे आप जिन लोगों के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे एयर साइन है फायर साइन है साइन है। मुझे ना ये पर्सन दो जगह पे बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं फैमिली मैटर तो डेफिनेटली है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व डेफिनेटली ये फ्रेंड्स हैं फैमिली है रिलेटिव है, है कोई भी है दोनों के बीच में मैरिज का भी मैटर यहाँ पे नज़र आ रहा है या फिर इनकी फैमिली जिस तरह से चाह रही हो कि कहीं और शादी हो जाए ठीक है तो उसी चीज़ में ये फंसे हुए हैं और शायद आपने भी इनसे बात करना बंद कर दिया है क्योंकि आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है या आप दोनों एक साथ ठीक से रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि उनकी फैमिली है उनकी फैमिली नहीं मानेगी मैरिज नहीं हो सकती क्योंकि कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू है आपने बात करना बंद कर दिया हो या फिर आप लिमिटेड अब बात करते हो आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर्सन के ऊपर और मैटर क्या है आप दोनों के बीच में ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं ठीक है मैं जो भी बोल रही हूँ वो आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं तो वो आ, सोच रहे हैं कि फैमिली की सुनूँ या आपकी सुनूँ इस चीज़ के बीच में फंसे हुए हैं ये आ, बीच बीच में कोशिश करते भी हैं अपनी फैमिली को मनाने की यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी समझ में आ रही है बट कुछ ना कुछ ना एक बड़ा चेंज इनकी लाइफ में आने वाला है जिनके लिए अभी आप सोच के ये मेरी वीडियो देख रहे हो ई सौ मुझे दिखाता है एक नई शुरुआत बट इसके अलावा भी मैं बोलूँ तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे डिफरेंसेस है जैसे कि डिफरेंस हो सकता है डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है कास नहीं मिलती ये रीज़न हो गया कोई ना कोई ऐसा एक मेन प्रॉब्लम ये ये पर्सन बताता है कि नहीं इस वजह से नहीं हो सकती लोग नहीं करने देंगे कभी कभी कोशिश भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ शोर्ट्स थ्री ऑफ व्हील कार्ड्स हैं ठीक है तो ये कार्ड मुझे दिखाता है ये पर्सन कभी कभी रुक जाता है नहीं हो सकता कभी कभी कोशिश करने की ट्राई भी करता है कोशिश करते हैं ये कि शायद अब हो जाए बट uh, हो सकता है आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं उनकी शादी या एंगेजमेंट हो चुकी है या होने वाली है वो उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि अब मैं करूँ क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन है प्रॉब्लम uh, हो रही है अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही होगी तो उनको इस बात को लेके भी प्रॉब्लम है अब आपकी भी एनर्जी देख लेते हैं साइंसायदा मैंने आपको नहीं बताया एरिसजटेरियस लिब्रा क्यूरियस टॉरस कैप्रिकॉन वेरगो ये एनर्जी यहाँ पे है इसके अलावा भी अगर आप है वाटर साइंस के तब तो भी आप देख सकते हैं ये एनर्जी आपको रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है सबको तो रेजोनेट हो ऐसा भी जरूरी नहीं है हंड्रेड परसेंट हो ऐसा भी जरूरी नहीं है फ़ाइव ऑफ पेंटिकल देखिए आपके पर्सन की एनर्जी में भी है फाइव ऑफ व्हील्स का कार्ड फाइव ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी में भी आया है ये मुझे ये दिखाता है आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप मोवन के बारे में सोच रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों की शादी तय हो चुकी हो ये शादी होने वाली है ये शादी हो गई हो थर्ड पार्टी इसी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अब दिख रहा है इसी वजह से यहाँ पे फाइव ऑफ व्हील भी कार्ड है और यहाँ आपकी एनर्जी में भी फाइव ऑफ व्हील आया है जो दिखाता है मुझे कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है आप रह नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन भी नहीं रह पा रहे हैं लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कभी कभी उनका मन करता है आपसे बात करने का और देख लेते हैं आपकी एनर्जी में किंग ऑफ कप आप भी मिस करते हैं उनको आप में से बहुत से लोग अपने 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 पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो ऐसा मुझे पॉसिबल लगता है आपकी तरफ से और यहाँ पे वाटर साइंस स्कॉर्पियो पैसल कैंसर की भी एनर्जी है आपकी एनर्जी हो सकती है प्रिंसेस ऑफ वोट्स प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपने करियर की तरफ मुझे लगता है फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे आपके लिए कुछ करेंगे नहीं ये मुझे दिखता है आपकी एनर्जी में आपको लगता है ये पर्सन बहुत इगोस्टिक है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं इन्होंने ये आपसे लड़ते भी हों झगड़ा भी करते हों ऐसा मुझे आपकी एनर्जी ने दिखाया है इस वजह से आप भी सोचते हैं कि ये पर्सन काफ़ी मिच्योर है इनको समझ नहीं आया है इन्होंने आपके साथ गलत किया है ये सब चीज़ें आप सोचते भी हों और आपको उनको कई बार याद भी आती है मिस भी करते हैं आप चाहते भी हैं ये पर्सन लौट आए आपकी लाइफ में चाहे कोई भी झगड़े हो कोई भी रीज़न हो आप इस पर्सन को अभी तक भुला नहीं पाए हैं और चेक कर लेते हैं डिटेल में कि और क्या है इस पर्सन के दिल में आपके लिए और आप दोनों के लिए लव देखिए इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है प्यार करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है अगर कुछ झगड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपने बात करना बंद कर दिया है या आपको लग रहा है कि इनको आपकी परवाह नहीं है तो ऐसा नहीं है परवाह यह आपकी करते हैं प्यार ये आपसे करते हैं आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से हो सकता है आप पॉइंट टू द पॉइंट इनसे बात कर रहे हो क्योंकि इस वक्त आप करियर के ऊपर सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आती हुई नज़र आती है आपको लगता है कि इस पर्सन ने हमेशा आपको लटका के रखा है या वेट ही कराया है और जब टाइम आता है कमिटमेंट का ये कमिटमेंट नहीं देते हैं इस वजह से आप थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस बना के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो ये दोबारा फिर से यही कार्ड आया है इसलिए मैं मैसेज आपको दोबारा दे रही हूं सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर है और करियर आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया है पहले कहीं ना कहीं कही, ये पर्सन शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट थे अब आपका करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप शायद घर लेना चाहते हो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो ये सब चीज़ें मुझे आपकी नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट है यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है आपके रस्ते में एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है वो आपकी डिज़ायर पूरी करने वाले हैं आप भगवान पे पूरा भरोसा करते हो इस वजह से काफ़ी पॉजिटिव भी रहते हो और कहीं ना कहीं आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है इस कनेक्शन से आपने अपनी वर्थ को पहचाना है इस कनेक्शन से इस वजह से अब आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं गाइडेंस में देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस में क्या आता है आज की गाइडेंस क्या है आपके लिए हाई पेस्ट का कार्ड आ रहा है देखो आपको अपनी स्मार्टनेस दिखानी है गाइडेंस यही है आप प्रैक्टिकल ही बने रहें अपनी एनर्जी को बैलेंस ही बना के रहें और आज मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट डे है कोई ऐसा डे है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो या कोई लोग आपके पास आएंगे हेल्प मांगने के लिए आप उनकी हेल्प करेंगे आप उनको गाइड करेंगे उनको रास्ता दिखाएंगे आज के गाइडेंस में यही आ रहा है और कहीं ना कहीं आप बने भी इस चीज़ के लिए ही हो ताकि आप लोगों को गाइड करें लोगों को सपोर्ट करें और ये सब आप इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपको ऊपर वाले पे भरोसा है अब आपके लाइफ में ऐसा टाइम आने वाला है कि लोग आपको पूछेंगे लोग आपसे मिलेंगे लोग आपसे गाइडेंस लिया करेंगे और आप उनकी हेल्प किया करोगे आज की गाइडेंस यही आ रही है और ऐसे ही आपको अपना चुैलिटी की तरफ जो लोग भी जा रहे हैं मुझे उनका भी इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पे जिनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप बिल्कुल सही बात पे हैं मैं आपको यही कहना चाहती हूँ आज के गाइडेंस में यही है होपकर्स आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर